देश भर में जल संरक्षण और जलाशयों की तस्वीर बदल कर रख देने वाला अमृत सरोवर अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर का कायाकल्प किया जाएगा। मतलब ये है कि देश भर में 50,000 से ज्यादा जलाशयों का कायाकल्प और विकास होगा। महाराष्ट्र में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी और उनकी टीम अमृत सरोवर योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। अप्रैल 2022 तक महाराष्ट्र में 500 से अधिक जल निकायों 270 फॉर्म पॉन्ड्स का कायाकल्प किया जा चुका है, जिसका नतीजा ये है कि राज्य में 34,000 TCM की अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता का निर्माण बिना किसी लागत से हुआ है। और इसी क्रम में हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता की देन है कि अब नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के जरिए जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवरों के निर्माण में तेजी आने लगी है। इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ यानी PDKV अकोला और महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी नागपुर में 2468 TCM की जल भंडारण क्षमता वाले 34 जलाशयों का निर्माण। अपने तरह के इस खास मॉडल में नेशनल हाईवे 53 से संबंधित राजमार्गों के सुधार के काम के जरिए ही बिना किसी लागत से जलाशयों को गहरा करने और उसका कायाकल्प करने का काम किया जा रहा है। इन जलाशयों से निकाली गई मिट्टी, गाद और अन्य चीजों का इस्तेमाल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2017 में ही सभी राज्यों से खास तौर से सूखा प्रभावित इलाकों में इस तरह की गतिविधि शुरू करने की अपील की थी। महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से इस पर काम किया था और रॉयल्टी फ्री मटेरियल मुहैया कराया था। NHPWD और NHAI के अधिकारियों ने शुरुआती पहल करते हुए इस मॉडल के लिए बुलढाणा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना। जल संरक्षण के इस मॉडल को बुलढाणा पैटर्न भी कहते हैं, जिस पैटर्न की तारीफ नीति आयोग भी कर चुका है। कुल प्रस्तावित 34 जलाशयों में अब तक 20 जलाशय तैयार किए जा चुके हैं, 9 पर काम अभी जारी है और 5 पर जल्द ही काम शुरू होगा। पूरी तरह तैयार 20 जलाशयों को अमृत सरोवर मिशन का हिस्सा घोषित किया जा रहा है। इन 20 जलाशयों की जल भंडारण क्षमता 1276 TCM है। शुरुआत में यहां सिंचाई क्षमता 150 हेक्टेयर थी, लेकिन जलाशय बनने के बाद ये 663 हेक्टेयर की हो गई है। अगर अभी 34 जलाशयों का निर्माण योजना के तहत होता है तो ये सिंचाई क्षमता बढ़कर 2468 हेक्टेयर की हो जाएगी। इस मॉडल के दूसरे फायदों की बात करें तो मत्स्य पालन के तैयार किए गए तालाबों की नीलामी से राजस्व भी अर्जित किया जाएगा। PDKV ने जिन 2 तालाबों की नीलामी की है उससे हर साल करीब 8 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। इस पूरे मॉडल से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के जरिए 1 लाख की कुल आबादी वाले 19 गांवों को लाभ होगा। उम्मीद की जा रही है कि गडकरी जी के मार्गदर्शन में जल संरक्षण के इस मॉडल से प्रेरणा लेकर देश के कुल 71 कृषि विद्यालय भी इसे अपनाएंगे, खासकर उन इलाकों में जहां के लोग सूखे की मार झेल रहे हैं और जिनके लिए पानी की बूंद बूंद किसी मोती से कम नहीं है। माननीय गडकरी जी का कहना है, धावणाऱ्या पाण्याला चालायला लावा, गाळणाऱ्या पाण्याला थांबायला लावा, थांबलेल्या पाण्याला जमिनीला प्यायला लावा। गावातलं पाणी गावात, घरातलं पाणी घरात, शेतातलं पाणी शेतात।